तो जी आज हम पहुंचे सागर ग्रैंड रेस्टोरेंट पे, जो कि लगाते हैं भाई साहब, भैया एक बैंड में लगाते हैं, मारुति की बैंड है, उसमें भैया अपना सारा खाना बना के लेके आते हैं। ये राइस है भाई साहब, अरे वाह भाई साहब, बासमती राइस है ये तो यार। यार भाई ये तो यार जो हमारे घरों में बनता है ना, वही वाला चावल है, एक एक खिला चावल है, और ये खाने के लिए मिल जाए तो अलग ही मजा आता है। और साथ में हम भैया दिखाएंगे हमें, ये है राजमा, ये राजमा होता है, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई साहब, क्या खुशबू है इनकी, ये खुशबू है ना राजमा की, वो बिल्कुल मेरी नाक तक आ गई, बिल्कुल भाई साहब कितने दूर है हम, और वहाँ से खुशबू यहाँ तक आ गई। बहुत दूर दूर से आते हैं सर खाने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं भैया बता रहे हैं। और ये होता है इनका शाही पनीर, वाह शाही पनीर भाई साहब, आपके मुँह में पानी लाने के लिए शाही पनीर, बिल्कुल घर की तरह खाना, घर के जैसा है। ये कढ़ी पकौड़ा है, ये देखिए सर कढ़ी पकौड़ा है, भाई वाह क्या बात है भाई, कढ़ी पकौड़ा होता है तो आप तो कड़ी देखिए, इनकी कड़ी पकौड़ा चेक कीजिए, कितनी गाढ़ी है, कितने बड़े बड़े पकौड़े हैं। और साथ में भैया क्या होता है, और है आज मलाई कोफ्ता है सर, मलाई कोफ्ता भी है, मलाई कोफ्ता दिखाएं भाई साहब, सलाद होते हैं सिरका वाले सलाद, अरे सिरका वाली प्याज जी सर, क्या कलर दे रही है भाई, मजा आ गया भाई साहब मेरे को खाना देख के ही मजा आ गया, मलाई कोफ्ता कोफ्ता आते सर, वाह भाई क्या बात है, तो भैया सारा इमली सागर भैया ही बनाते हैं क्या, हाँ जी सर, क्या बात है, इसमें ये ग्रेवी होती है मलाई कोफ्ते में किस चीज की होती है, ये काजू मगज ये सब का बनता है सर, ये सारी चीजें होती हैं। तो भैया एक बार रेट और बता दे, क्या क्या आइटम रहता है आपका सर, राजमा राइस है, करी राइस है, शाही पनीर राइस, नवरत्न पराठे, मलाई कोफ्ता, और बाकी चेंज होके बनता रहता है, जैसे मटर पनीर हो गया और मलाई टिंडा हो गया, आलू गोभी, शाही आलू गोभी, ये सब चेंज होता है। अच्छा, दिन के हिसाब से। तो आपका इसका सबका रेट क्या होने वाला रहता है भैया जी, हमारे राजमा राइस 60 रुपये वो है, राजमा राइस 60 रुपये, करी राइस 60 की है, और पनीर राइस 90 का है, थाली होते हैं 90 रुपये की थाली है, 90 रुपये की थाली में क्या क्या आइटम, जिसमें 3 सब्जी होते हैं, और किस किस चीज की, राजमा होते हैं, करी होते हैं, शाही पनीर होते हैं, और चार राइस होते हैं, पराठे होते हैं, पराठे, हाँ जी पराठे या रोटी, पराठे होते हैं सर, नवरत्न पराठे है, नवरत्न पराठे है, नवरत्न कैसे भैया पराठे है सर, अरे भाई चेक कीजिए आप इनके साइज, चेक कीजिए भाई सब पराठे का, तो ये तो 2 पराठे के बराबर ही एक पराठा दिख रहा है मुझे, ये नवरत्न पराठे हैं, टेस्टी होते हैं सर। तो ये कितने पीस आते हैं एक थाली में, थाली में एक आते हैं, और जैसे अलग से लेते हैं तो 3 पराठे आते हैं, अच्छा, और सब्जी आते हैं, और ये हो गया बूंदी रहता है सर, ये बूंदी रायता भी होता है भाई, वाह ये चला भाई साहब, रायता भी काफी थिक है, मजा आ गया। तो भाई आप तो भीड़ देखिए भैया के स्टॉल पे, ये सभी लोग है ना ये खाने के लिए ही खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी लंच टाइम भी चल रहा है, भाई साहब आप मिक्स करा के भी ले सकते हैं, अरे वाह क्या बात है, तो भाई साहब हमारी लगने जा रही है ये भैया की थाली, ये क्या प्राइस रहता है इसका, 90, ये गया राजमा, और ये आ गया भाई साहब शाही पनीर ऑल टाइम फेवरेट, हरी चटनी, साथ में सिरके वाली प्याज, भाई सब लोग कहते 4 चांद लगा दिए, यहाँ तो 8 लगा दिए भैया ने, और ये आ गया हमारा मलाई कोफ्ता, रेडी हो गई। तो ये हमारी थाली आ चुकी है, ये है सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए की, जिसमें भैया ने हमें दिया है मलाई कोफ्ता, राजमा चावल, साथ में है शाही पनीर, सिरके वाली प्याज, हरी चटनी, भाई साहब अब तो ये नवरत्न पराठा देखिए इनका साइज में काफ़ी बड़ा है, और साथ में है पुलाव, वो भी पूरे बासमती है, प्योर बासमती चावल है, इस 90 रुपये वाली थाली में आप पुलाव दोबारा से ले सकते हैं, चावल दोबारा से ले सकते हैं, पराठा अगर आप दोबारा लेना चाहते हैं तो आपको 15 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनका टेस्ट करते हैं, और भैया हमने साथ में लिया है इनका रायता, रायते का गिलास देखिए, तकरीबन 300 ml का गिलास है, ठंडा है, इनके रायते का गिलास है ना, यह केवल 20 रुपये का है, मतलब 20 रुपये में आपको नमकीन लस्सी का और रायते का दोनों का टेस्ट मिलने वाला है। भाई साहब पनीर देखिए आप, तो पनीर के काफ़ी पीस दिए हुए हैं शाही पनीर में, टेस्ट कर लेते हैं पहले इनका शाही पनीर,
A1 क्वालिटी है पनीर की। इनका मलाई कोफ्ता है ना शाही पनीर से बहुत अच्छा है, शाही पनीर भी अच्छा है लेकिन शाही पनीर से बहुत ज़्यादा अच्छा इनका मलाई कोफ्ता है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मलाई कोफ्ता इनका एक क्लास है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ट्राई कर लेते हैं ऐसे भी इनका थोड़ा सा राजमा चावल। भाई साहब टेस्ट है ना हर चीज़ का बेहतर है, बहुत अच्छी क्वालिटी, आप देख सकते हैं कि लोग कैसे खाने को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाना इसलिए आते हैं। ये हमारे एक भैया भी खा रहे हैं खाना, भैया कैसा लगता है खाना आपको? ये क्लास खाना है ना, सिरके वाली प्याज है ना जो खाने को नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देती है, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी खाना है ये वाला खाना भाई साहब 90 रुपये वाली थाली सागर भैया की, तो आपको आना पड़ेगा NIT 15 की मार्केट है उसके पास ही पुलिस चौकी के पास भैया का फूड वैन है वो लगती है, वहाँ पे आपको ये थाली मिल जाएगी खाने के लिए जिसमें शाही पनीर है, राजमा चावल है और कढ़ी पकौड़ा भी है। कढ़ी पकौड़ा हमने नहीं लिया है, आप कढ़ी पकौड़ा चाहो तो ले सकते हो क्योंकि हमें कढ़ी थोड़ी सी कम पसंद है, और मलाई कोफ्ता है, सिरके वाली प्याज है, टेस्ट एक क्लास है, मतलब आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि खाने में कोई कमी है, आपके फुल पैसा वसूल आइटम है, साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं। 20 रुपये में इनका रायते का गिलास है, गिलास आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, मैंने आपको दिखा दिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भाई सब एक बार फॉलो जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।